यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभी उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सर्जमयं प्रयत्नाय साधूनां विनाशाय च दुष्करं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। इस मंच पर विराजित संत महात्माओं को नमन करते हुए इस देवासी समाज को बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे समाज के आगेवान भाई गोवर्धन जी कर्मावास, भंवर जी पिचियक, रतन जी ओटाराम जी सभी के चरणों में नमन करता हूं। देव रूपी समाज जो आज यहां पधारी है, गांव गांव ढाणी ढाणी से उन ठिकानों के पंचों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि सबके सहयोग से आज ये भव्य अमृत में है, इतिहास बनने जा रहा है। अभी अभी समाचार मिले हैं कि जोधपुर पूरा जाम हो चुका है, जोधपुर पूरा जाम हो चुका है। जहां जहां लाल पगड़ी नजर आती है वहां पे लोग देख रहे हैं कि देवासी क्या चीज है। मेरे भाइयों, आप जागे हो तो समाज का सवेरा उदय होगा, समाज का सवेरा उदय होगा। कहते हैं पार्टियां टिकट नहीं देती, टिकट अपने कदमों में होगा। क्यों? कि हम उस प्रदेश से राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैं अभी पाली जिले से आया हूं, पाली जिले के अंदर ये नाम है, छत्तीसगढ़ के अंदर देवासी समाज का ये नाम है। जहां जहां पे आतंक होता है वहां पे देवासी समाज को सरपंच चुना जाता है। ये इतिहास रहा हमारे पाली जिले का। हम गोवर्धन जी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भाग ले रहे हैं और समाज के भाई के साथ कहां भी कहीं भी अन्याय हुआ है या होने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन समाज के कभी हम पूरा नहीं होने देंगे, यह हमारा विश्वास है। क्योंकि हम सच्चाई की राह पे चलते हैं। समय की कमी को देखते हुए गॉड इज ग्रेट, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे